हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, के एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय को समझा था, अब हम बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस पॉलीनोमियल, जो पॉलीनोमियल गिवन है हमारे पास कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो पॉलीनोमियल्स है इसको हमें निम्नलिखित बहुपद यानी निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम इनसे भाग दे करके देखेंगे और इनका शेषफल बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला दिया है आपके पास x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 से मुझे किस में भाग देना है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे इस x में, देखो ध्यान से, इस x में ऐसी राशि का गुना करें कि x क्यूब हो जाना चाहिए और पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो पॉजिटिव x स्क्वायर ले लूँ चलेगा? पॉजिटिव x स्क्वायर लिया तो x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक, फिर इस प्लस वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 एंड वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब माइनस करते हैं, भाग देते तो घटाते हैं कि नहीं? तो बेटा जो चिन्ह पहले रहते वो बदल जाते हैं, ये दोनों कट गया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब बड़ी संख्या के आगे पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव, और 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, फिर प्लस 3x और ये प्लस 1। अब क्या काम करेंगे हम इस x में ऐसी कौन सी राशि का गुणा करेंगे कि जब 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, तो मैं ये बेटा यहाँ पर प्लस 2x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2x इंटू x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक, प्लस 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 ही रहेगा, अब प्लस 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 हो जाएगा और देखिए 1 का जब मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव घट जाएगा, 3x माइनस 2x मतलब x और ये हो जाएगा प्लस 1। अब देखो x प्लस 1 है तो देखो ना x प्लस 1 का किस में गुना करूँ तो x प्लस 1 होगा, मतलब 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा x प्लस 1। ठीक, माइनस माइनस सीधे सीधे नहीं समझना है, तो x का मल्टीप्लाई किस में करूँ कि x आ जाए तो 1 में करूँ। ठीक है, फिर x 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह हट जाएंगे तो x से x कट गया और ये माइनस प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, मतलब बचा कितना? शेषफल। तो इसका जो शेषफल आया बेटा, इसका शेष कितना आया? शेषफल, इसका शेषफल आ गया 0। हमें शेषफल ही ज्ञात करने बोला था और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, शेषफल ही तो ज्ञात करने बोला था। देखिए अब इसी का सेकंड, सेकंड क्या दिया गया है कि x माइनस है ना, x माइनस 1 अपॉन 2, x माइनस 1 अपॉन 2 दिया है। अब इस x माइनस 1 अपॉन 2 से मुझे डिवाइड करना है किसको? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। ठीक, तो यहाँ तो दो तरीके हो सकते हैं बनाने के, यहाँ कितने तरीके हो सकते हैं बनाने के? दो तरीके। देखो कि x माइनस 1 अपॉन 2 है, जब x माइनस 1 अपॉन 2 है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये कठिन हो जाता है। कर सकते हैं ऐसा, नहीं कर सकते ऐसा नहीं, कर सकते हैं, बट 1 अपॉन 2 वाली कंडीशन आएगी तो थोड़ा हार्ड होगा कि नहीं, भिन्न वाली फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन तो आपको कठिन होता ही उतने। तो आप क्या काम करेंगे कि इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसके बराबर क्या ले लेता हूँ कि x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इस 2 को पैरेलल करेंगे तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो 2x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं 2 का ट्रांसफर इधर करता हूं तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब अब बहुपद क्या आ गया हमारे पास? 2x माइनस 1 आ गया। अब 2x माइनस 1 आ गया हमारे पास बहुपद, अरे बहुपद हम क्या लेते हैं इसके इज इक्वल टू px लेते हैं ना, और px इज इक्वल टू हमने 0 रख दिया, तो बात समझ में आई अब? तो मतलब 2x माइनस 1 हुआ। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना इतनी बात? तो आप इस x माइनस 1 अपॉन 2 को 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इससे भाग देंगे तो कितना सरल होगा? होगा ना सरल, तो चलिए इससे भाग देते हैं। तो देखो मैं किससे दे रहा हूँ, 2x माइनस 1 डिवाइड कर रहा हूँ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब देखो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अब 2x ऐसी कौन सी राशि का मल्टीप्लाई करूँ, बताओ ना ऐसी कौन सी राशि का मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब हो जाएगा? तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर कर दे तो 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर कर दे तो कितना होगा? देखो 2x का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल एंड x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक,
मैं आपको इस टर्म से भी बता दूंगा, ठीक, टेंशन नहीं लेना अभी। अब क्या होगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वन इंटू वन अपॉन टू कितना होगा, माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर, ठीक। तो ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक। तो देखो इससे कट गया, अब देखो दोनों ऐड हो जाएंगे तो देखो कितना होगा, एक्स स्क्वेयर तो कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर लिखा मैंने। अब देखो ना कितना हो जाएगा, थ्री प्लस वन अपॉन टू मतलब कितना होगा, तीन दूनी छः और एक साथ, सात बटे दो, कितना होगा, सात बटे दो। अब ये हो जाएगा धन तीन एक्स और ये धन एक, ठीक। अब हम यहाँ पर टू एक्स में ऐसी कौन सी राशि का मल्टीप्लाई करें कि सेवन टू अपॉन टू एक्स स्क्वेयर हो जाए, तो मैं यहाँ पर करूँगा बेटा प्लस, यहाँ पर करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर करेंगे सेवन अपॉन टू का ही मल्टीप्लाई, सॉरी सेवन अपॉन फोर का मल्टीप्लाई, सेवन अपॉन फोर और एक्स का मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं यहाँ पर टू एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, जब टू का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो टू से फोर कर जाएगा टू टाइम, तो सेवन अपॉन टू ही आएगा, ठीक। और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, अब देखो ना इस वन का मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस और माइनस, माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन अपॉन फोर और ये हो जाएगा एक्स, चलिए नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक। देखो ये कट गया, अब इसको ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा तीन चौं बारह, बारह और तीन कितना हो जाए, बारह और सात कितना हो जाएगा, बारह और सात हो जाएगा उन्नीस, उन्नीस बटे चार, ठीक। और ये हो जाएगा एक्स धन एक। अब उन्नीस बटे चार लाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस उन्नीस बटे आठ कर दूँ, उन्नीस बटे आठ एक्स तो आ जाएगा, एक्स इंटू वन मतलब एक्स ही होगा और कितना हो जाएगा, दो से काटूँगा तो उन्नीस बटे चार ही आएगा, ठीक। अरे धन सॉरी धन ऋण ऋण ये हो जाएगा एक का गुना करूँगा मैं तो ये उन्नीस बटे आठ आएगा, ये क्या कर दीजिए माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो आठ एकम आठ, आठ और उन्नीस कितना हो जाएगा, आठ और उन्नीस आपका हो जाएगा सत्ताईस बटे आठ, सत्ताईस बटे कितना हो जाएगा आठ। तो आपका जो शेषफल आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है बेटा, ट्वेंटी सेवन अपॉन एट आ रहा है। या क्या हो सकता है, चलो अभी इसमें देखते हैं। या अगर हमने कहा कि x माइनस वन अपॉन टू से किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं कि x पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन को, सॉरी प्लस वन को डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे इसको, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वेयर लिख दूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, प्लस आर माइनस माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर तो मतलब वन अपॉन टू और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब देखिए घटा दो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक। ये कट गया, इन दोनों को ऐड करूँगा मैं तो तीन दूनी पाँच सॉरी तीन दूनी छः, छः और एक सात, सात बटे दो आ गया और ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। सिर्फ हमारे किस में अंतर आने वाला है बता रहा हूँ आपको, सिर्फ हमारे किस में गुना अंतर आने वाला है कि एक्स यानी कि जो भागफल है उसमें अंतर आने वाला है, बाकी तो सेम ही होगा। अब देखो क्या काम करेंगे, प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब देखो एक्स में ऐसी कौन सी राशि का गुना करूँ कि सात बटे दो जाए, तो ये हो जाएगा प्लस सेवन अपॉन टू और ये हो जाएगा एक्स, तो जाएगा सेवन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर, आ जाएगा प्लस आर माइनस माइनस, गुना करूँगा तो सात बटे चार हो जाएगा और ये एक्स होगा, हो जाएगा सात बटे चार एक्स। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये कट गया, अब इसको ऐड करोगे कितना होगा, तीन चौ बारह, बारह और सात कितना होगा उन्नीस, उन्नीस बटे चार और ये एक्स धन एक हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, प्लस उन्नीस बटे चार लिख दूंगा मैं तो उन्नीस बटे चार लिखूँगा तो उन्नीस बटे चार एक्स हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका, अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा उन्नीस बटे है ना, उन्नीस बटे कितना हो जाएगा चार दूनी आठ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए प्लस, ये कैंसल आउट, आठ एकम आठ, आठ और उन्नीस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्ताईस बटे कितना हो जाएगा आठ, और यही आपका आंसर होगा। देखो दोनों में वही आंसर आ रहा है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। देखिए थर्ड क्या दिया गया है कि एक्स है ना, एक्स से हमको डिवाइड करना है बेटा, तो हम कैसा करेंगे इसको, देखो एक्स लिखेंगे और डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स एंड प्लस वन, ओके। अब क्या हो जाएगा कि देखिए एक्स से अब इसको डिवाइड करना है हमको, तो क्या काम करेंगे हम, देखो एक्स का, देखो एक्स में ऐसी कौन सी राशि का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि एक्स क्यूब हो जाए, तो एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ठीक है अभी इसको क्या करेंगे माइनस, तो ये कैंसल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका, थ्री एक्स का, कितना हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, यानी प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स एंड प्लस वन रह गया,
तो मैं क्या काम करूँगा, एक्स में थ्री एक्स का यदि मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर से माइनस कर दीजिए, देखो पॉजिटिव नेगेटिव फिर से कट जाएगा, बचा कितना 3x+1। ठीक, तो अभी इस x का हम मल्टीप्लाई सी कौन सी राशि में करें कि 3x हो जाए, तो प्लस 3 में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3x। देखो माइनस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस है तो देखो कितना हो जाएगा, अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली बचा कितना 1। अब देखो x का ऐसी किसी राशि में भाग देंगे जिसमें 1 कट जाएगा क्या, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से कि यहाँ पर जो शेषफल है कितना आएगा, शेष कितना बचा हमारे पास, 1 बच गया, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा फोर्थ। फोर्थ क्या दे दिया गया, एक्स प्लस पाई है ना, फोर्थ क्या दिया है हमारे पास कि एक्स प्लस पाई दिया है। ठीक है, पाई दिया है। अब एक्स प्लस पाई दिया है, इस एक्स प्लस पाई से हमें डिवाइड करना है तो क्या होगा, देखो इसको लिखेंगे एक्स प्लस पाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब देखो कि हमें एक्स क्यूब लाना है तो एक्स में ऐसी कौन सी राशि का मल्टीप्लाई करूँगा, तो बेटा यहाँ पर करूँगा मैं एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्या कर देंगे, देखो अब क्या हो जाएगा, इस पाई का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू एक्स क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो माइनस माइनस ये कैंसल आउट हो गया। अब देखो अगर इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - π इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, 3 में से पाई घटा देंगे और एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3x और ये प्लस 1। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी राशि का मल्टीप्लीकेशन करेंगे x में कि 3 - π एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा प्लस 3 - π x का, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 - π इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और पाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस, पाई का मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3π - π² ऑफ, ठीक है, और ये एक्स हो जाएगा। और ठीक, अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस और ये माइनस, ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको राइट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा कि क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा कि 3 - 3π - π². ओके, और ये हो जाएगा एक्स, कितना हो जाएगा 3 - 3π, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा एक्स, अरे बस कितना क्या, प्लस 1। ठीक है, प्लस वही होगा कि नहीं, देखो इसको हमने ऐसी तो करे, देखो 3x - 3π, अब कितना हो जाएगा, -π² ठीक है, और ये x होगा, दोनों में से x कॉमन कर दीजिए तो हो जाएगा 3 - ये हो जाएगा 3π - π² सॉरी होल स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर यहाँ था, और x कॉमन हो गया तो x बाहर हो जाएगा। अब कोष्ठक हटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, तो अब ध्यान से देखिए, अब प्लस 1, अब देखो x में ऐसी कौन सी राशि का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना करेंगे, प्लस 3 - 3π + π² का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा 3 - 3π + π² इंटू क्या होगा x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3π - 3π² + π³। ठीक है, माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस ये कट जाएगा हमारा, माइनस किए तो, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 - ये हो जाएगा 3π + 3π² - π³। तो इसका जो शेष आएगा है ना, इसका जो शेष आने वाला है वो शेष कितना हो गया, 1 - 3π + 3π² - π³। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ दिया गया है हमारे पास कि 5 + 2x। फिफ्थ क्या दे दिया गया है, 5 + 2x, इसको क्लीन करते हैं यहाँ से, कितना है फिफ्थ में कि 5 + 2x, मतलब 2x + 5 लिख सकते हैं। इससे किसको डिवाइड करना है हमें, x³ + 3x² + 3x + 1 को। देखो 2x है तो मैं क्या काम करूँगा, 2 को हटाना है मुझे, तो ये क्या करूँगा कि 1/2, और ये हो जाएगा x² लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, एंड x * x² तो ये हो जाएगा x³। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस, 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/2, और ये हो जाएगा x², ये माइनस माइनस देखो कट गया, ये हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6, 6 में से 5 गया तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये x², ठीक, प्लस 3x + 1 होगा,
ठीक। अब क्या काम करेंगे हम कि इस 2 में, अब देखो ध्यान से देखो यार, इसको क्या कम करने वाले हैं कि प्लस हो जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है और इतना लाना है मुझे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं काम करूँगा कि 1/4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/4x। देखो 2 का भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2x2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5/4 और ये हो जाएगा x, ठीक है। माइनस करेंगे, देखो ये कट गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 × 4 = 12, 12 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 है ना, 12 में से 5 गया तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 बटे आपका देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 7 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 4 और ये x प्लस 1, ठीक। अब कितना आया ये 7/4x + 1। अब देखिए कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, अब इधर नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 2x, कितने का मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, प्लस यहाँ पर करेंगे 7/8 का और ये बस ओनली, तो देखो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/4x+। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 कितना हो जाएगा 8, माइनस माइनस ये कैंसिल, स्क्वायर करूँगे तो 8 × 8, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 × 8 हो जाएगा और 8 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा, 8 में से 35 गया तो हो जाएगा आपका 7, मतलब कि 27/8 और ये हो जाएगा ऋण, ये आपका क्या हो जाएगा, तो शेषफल कितना हुआ बताओ, शेषफल कितना हो जाएगा, -27/8 हो जाएगा और यही आपका क्या होने वाला है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले के हमने 5 क्वेश्चन देख लिया, ईजी है, नहीं है कठिन, आपको भाग देते आ जाता है, क्लास 8th में आप सीख चुके हैं, ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर टू में आपको कि x³ - ax² + 6x - a को मुझे किससे भाग देना है, x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे कि x - a को इधर लिख लिए, भाजक को इधर लिख लीजिए, भाज्य को यहाँ लिखेंगे, अब हो जाएगा x³ - ax² + 6x और ये माइनस a हो जाएगा, ठीक। अब देखिए भाग देंगे तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले x³ लाना है हमको, तो क्या काम करेंगे, x में ऐसी राशि का गुना करो कि x³ आ जाती है, हो जाएगा x² का लिखेंगे तो x·x² x³, जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा क्या मेरे पास, 6x और ये -a बच गया, यदि मैं यहाँ पर प्लस 6 राइट करता हूँ तो x·6 6x हो जाएगा और a·6 कितना होगा, -6a होगा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 6 से, देखो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अब देखो ना 6a माइनस क्या हो जाएगा 1a, ये तो बात हो रही है 6a - 1a, तो आप क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा 5a और ये 5a क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचा हमारे पास कि 5a और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट, जांच कीजिए कि क्या 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। क्या बोला कि 3x + 7, उल्टा लिख दिया मैंने, 7 + 3x है तो मैंने यहाँ 3x + 7 लिख दिया, क्या ये 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो अब क्या काम करेंगे बेटा, 3x³ लाना है तो मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, x² का मल्टीपल कर देता हूँ 3x में, तो 3 × 3 x·x² x³, ठीक है, प्लस 7 × x² 7x², ठीक, माइनस ये क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है ये। अब देखिए अब कितना हुआ, अब क्या काम करेंगे यहाँ पर बेटा कि हमको तो यहाँ 7x आना चाहिए था लेकिन x² आ चुका है, तो अब क्या काम करेंगे, क्यूब ही था ना, स्क्वेयर तो नहीं था, ठीक क्यूब ही था, कितना हो जाएगा, अब जब इसको सॉल्व करूँगा मैं तो ये हो जाएगा आपका -7x², फिर कितना होगा +7x, ठीक। अब देखिए ये x² हो गया, अब मैं किस राशि का गुना करूँ कि यहाँ पर माइनस, देखो माइनस है तो माइनस आएगा इसी से क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप मल्टीपल करो तो 7 आना चाहिए, तो मैं यहाँ क्या काम कर देता हूँ 7/3 और x का मल्टीपल कर दूँ, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 आएगा, तो -7x² x·x² प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा,
अब देखो ना, सात और सात साथ ही साथ कितना हो जाता है 49, है ना, 49 अपॉन, और ये हो जाएगा 3 और ये होगा x। अब देखिए प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, देखो ये कैंसल हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ये देखो ये भी तो प्लस ही होगा, दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 21 रेन 49 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस है ना दोनों, तो दोनों प्लस हो गए, कितना हो जाएगा 21 धन 49 बटे 3 कितना हो जाएगा 9 और 1 10 0 फिर 1 तो कितना हो गया 6 और 1 7 7 बटे 3 है ना, तो हो जाएगा 70 बटे 3 x। अब देखिए क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, आगे सॉल्व किया जा सकता है क्या, ये तो 7 हो गया ना, तो देखो आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा प्लस। अब यदि मैं यहाँ पर कितना कर दूँ कि 3 आना चाहिए तो 70/9 कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 70/9 तो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल करूँगा तो हो जाएगा 70/3 क्योंकि देखो 3 से 9 कट जाएगा 3 हो जाएगा और x है तो x, फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा 7 ही 7 49 0/9 ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखो ये कट गया, अब बचा कितना मेरे पास यहाँ पर -490/4। जब इसका शेषफल इतना आ गया यानी शेषफल 0 आया क्या, शेषफल जब 0 नहीं आया तो क्या ये गुणनखंड होगा, तो हम क्या कहेंगे, अतः यानी क्या बोल देंगे कि शेषफल शून्य नहीं है। और मैंने बताया था कि शेषफल 0 होता है तो गुणनखंड या गुणज होते हैं, लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं है तो क्या कहेंगे कि 7 + 3x किसका 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन।